एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। Thank you.
जिस गुर को शाबास है, जिन हर सोजी पाई, जिस गुर को शाबास है, जिन हर सोजी पाई। नानक दूर बिटोवारिया, जिन हर नाम दिया, मेरे मन की आस पुराई। नानक दूर बिटोवारिया, जिन हर नाम दिया, मेरे मन की आस पुराई, मेरे मन की आस पुराई, मेरे मन की आस पुराई। अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सफेदी समा अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर
अन्न पानी मुझ उपाए, मुझ उपाए अन्न पानी मुझ उपाए, मुझ उपाए दुख दालत पन तर, दुख दालत पन तर, दुख दालत पन अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सबे अरदास सुनी दातार, सुनी दातार अरदास सुनी दातार, अरदास सुनी दाता, सुनी दाता अरदास सुनी दाता, सुनी दाता अरदास सुनी दाता, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, सबसे अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर, अपनी मेहर कर। ले वो कंठ लगाए, कंठ लगाए, ले वो कंठ लगाए, कंठ लगाए अपदा सब हर, अपदा सब हर, अपदा सब हर, अपदा सब
सब हर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर संवेदी समा नानक नाम ते आए नाम ते आए नानक नानक नाम ते आए नानक नाम नानक नाम प्रभु का सपन कर प्रभु का सपन कर प्रभु का सपन कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी मेहर कर अपनी अपनी मेहर कर 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 सतगुर का दर्शन पाए जियो सतगुर का दर्शन पाए जियो अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी अमृत
हर हर तेरी सुन सुन हो वे परम गत मेरी सुन सुन हो वे परम गत मेरी सुन सुन होवे परम
आस बुझाए जियो, मन की आस बुझाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी। अमृत बाणी हर हर सतगुर का दर्शन पाए जियो। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी, सुन सुन होवे परम गति मेरी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे फेरा पाओ गुरु।
बाबा जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मनुख आया है सेवा सिमरन परोपकार करके उस प्रभु दे नाल मिलाप करना है, अपने जीवन नू पवित्र रखना है, श्वास रखना है। जिस तरह समुद्र दा पानी हवाड़ बन के बदलां दी राही जाके दूर वसदा है, पर जेड़ा जल अपने मालिक वल चल पैंदा है वो कदे ना कदे जरूर फिर समुद्र विच आ मिलदा है। इसे तरह साड़ी आत्मा भी परम आत्मा तो विछड़ के आई है, जिन्हां ने अपने मन नू नाम जप के सेवा करके सदा निर्मल रखे है, क्योंकि साड़ी आत्मा एक बूंद है, वो परमात्मा एक शौ सागर है। जिस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कहा भाई सदा इस बूंद नू निर्मल रखो, नाम जप के सेवा करके सिमरन करके। जिवें जल आ रहा है, जेड़ा ता जल अपने मालक नालों विछड़ जांदा है, गड़ियां विच पै जांदा है, टोयां विच पै जांदा है, आप देखदे हो उस जल दा की हाल होंदा है। उस जल ते काई आ जांदी है, कीड़े पै जांदे हन, मुछक मारन लगदा है। इसे तरह जदों असी परमेश्वर दे सिमरन तो नाम तो विछड़ जांदे हां तां साडी भी मन दी इही हालत होंदी है। इसलिए रब दे प्यारे जे होंदे हन उन्हां ने नाम नूं ही अपने प्राणा दा आधार बना लिया है। नाम विसरे उन्हां दी मौत हो जांदी, क्योंकि जे श्वासां दी पूंजी समाप्त हो जावे तां इस शरीर दा अंत हो जांदा है, ते जे परमेश्वर दे नाम नू नहीं जपदा जेड़ा मनुख उदी आत्मक मौत हो जांदी है। इसलिए आत्मक जीवन रब दे प्यारे जीउंदे हन, जिस करके ये
अरदास कीती। साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा। साईं जी मैनू ना विसरो, गुरु जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा। साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो।
महापुरखां दी तन मेरा चरण धूड़ होवे नाम तेरा मैनू मिठा लगे दुख दलिद्र मेरा दूर होवे साईं जी मैनू ना विसरो दाता जी मैनू ना विसरो तू विसरे मैं मर जावा साईं जी मैनू ना विसरो दाता जी मैनू ना विसरो प्रतिपालक वाहे गुरु है सब दा प्रतिपालक कोट ब्रह्मंडा दा है मालिक तू है सब दा स्वामी सतगुर तू है अंतर जामी सतगुर साईं जी मैनू ना विसरो दाता जी मैनू ना विसरो तू विसरे मैं मर जावा साईं जी मैनू ना विसरो दाता जी मैनू ना विसरो तू विसरे मैं मर जावा तू विसरे मैं मर जावा खिन विच नीचों ऊंच करो जी खिन विच राजियों रंग करो जी खिन विच नीचों ऊंच करो जी खिन विच राजियों रंग करो जी डूंगे जल थल कर देवो जी ताई सुमेर करो जी डूंगे जल थल कर देवो जी खूहा ताई सुमेर करो जी साईं जी मैनू ना विसरो दाता जी मैनू ना विसरो तू विसरे मैं मर जावा आकाश चढ़ावो
साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो। सब किछ तू ही प्रतिपालक, तू ही मेरा साईं, तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा सब किछ, तू ही प्रतिपालक, तू ही मेरा साईं, तू ही मेरा मालिक, तू ही मेरा दाता, ज्ञाता अंतर जामी पुरख विधाता। साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। विसारो दाता, ना भुलो सानू ना ही भुलावो, ना विसरो ना विसारो दाता। हर दम नाल रहो मेरे हर जी, अपना नाम जपावो दाता। हर दम नाल रहो मेरे हर जी, अपना नाम जपावो दाता। साईं जी मैनू ना विसरो, दाता जी मैनू ना विसरो। तू विसरे मैं मर जावा, साईं जी मैनू ना विसरो, साईं जी मैनू ना विसरो, साईं जी मैनू ना विसरो। प्यार दियां अरदासां भाई रूपा जी नाम दे रशिये, जिन्हां ने धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी पासों नाम दी दात प्राप्त कीती। सोहना नाम दा रंग चढ़िया है अमृत वेले जाग के, इशनान करके नितनेम करदे हन,
ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਕੜਾ ਜਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਈ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਦਾ ਜਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਲ ਠੰਡਾ ਸ਼ੀਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਜਲ ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆ ਕੇ ਪੀਵਣ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਥਾਣ ਲਿਆ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਤੂੰ ਛਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਪਿਆਸ ਵਧੀ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਲ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲ ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਵੇਂ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰਾਮ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੂਰਛਿਤ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਓ ਨਾ, ਜਲ ਛਕੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਪਏ ਹਨ ਅਣਹੋਸ਼ੀਆਂ ਦੋ ਲੋਥਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਛਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ, ਪਲੋ ਪਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ, ਬਈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਰੂਪਿਆ ਹੁਣ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਮੈਂ 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 ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ।
ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੋ। मेरा बैर गुरु गो नानक नाम आधार
नर ते सुर होए जान मख में सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग को जी क्यों सो अब खद में पाई नर ते उपज सुरग को जी क्यों सो अब खद में पाई मैं अजान जन तर बिन जानो मेरे
एह नीच करम हर मेरे, 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 कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे, मेरा अनरस लाया हर तरफ चित नई, क्यों छोटा मेरे हर राया, हर तरफ चित नई, क्यों छोटा मेरे हर राया, एक नीच करम हर मेरे, एह नीच करम हर मेरे, एह नीच करम हर मेरे, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, करो कृपा हर मेरे, एह नीच करम हर मेरे, एह नीच करम हर मेरे, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे जात नहीं किछ तंग ना मेरा, क्या मुहले बोले गुण विगुण नाम जपया ना तेरा, हम पापी संग बोले करम
हाल मेरे, देख नीच करम हाल मेरे, मेरे राम मेरे राम, सारे करो कृपा जी, मुख नक दिया बर्तन पौ पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया रस अन्न भोगानी, जिन दिए सोचित ना आई पशु हो कर जानी, पशु होकर जानी, एक नीच कर्म हर मेरे, एक नीच कर्म हर मेरे, एक नीच कर्म हर मेरे, मेरे राम मेरे वरतदा, तू अंतर जामी, हम जंत बेचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट में गया हर हर मेरे, एक नीच परम हर मेरे, मेरे राम 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 हर हर दया कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे, गुणवंता हर हर दया कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे, मेरे राम मेरे Thank you.
शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है
तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सब को देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
शिवा शिव जी सदा गुरु जी की।
संगत जी आरती ले लीजिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का जो हमारे घर आए आज, कितना अच्छा सत्संग कराया। संगत जी का तो सब लोग आए, सबका शुक्राना करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ इतना अच्छा संगत को लेके आए और अच्छा अच्छा संगत सत्संग कराया। छोटा सा सत्संग है मेरा, पता नहीं कह पाऊंगी या नहीं। मैं गुरु जी से जुड़ी अभी थोड़े दिनों पहले जुड़ी हूँ, ऑलमोस्ट मार्च में मंजू आंटी के थ्रू। गुरु जी का आदेश था मैं सत्संग में जाऊं और एक दिन मैंने जाना शुरू किया। शुरू में गई जैसे सबको लगता है कि गुरुजी देखे कुछ समझ नहीं आया क्या है क्या नहीं वो, लेकिन धीरे धीरे जाने लगी मैं सत्संग में। एक पीस मन में आने लगा, जाती थी एक एनर्जी लेके आती थी जब भी जाती थी मैं गुरुजी के दरबार में, और धीरे धीरे जाने लगी अच्छा लगने लगा। फिर मन में आया कि गुरु जी का स्वरूप नहीं है मेरे पास, तो एक बार संगत में गई, दूसरी बार गई, बार बार सोचती रही किससे कहूं कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए। एक दिन हिम्मत करके मैंने रेखांटी से कहा कि मुझे गुरु जी का स्वरूप चाहिए, तो गुरु जी ने रेखांटी ने रमन अंकल को बोला था कि मुझे स्वरूप चाहिए, तो रमन अंकल बोले हाँ थर्सडे को मेरे यहाँ सत्संग है तुम आ जाओ मैं स्वरूप दे दूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा हाँ मैं थर्सडे को जाऊंगी और स्वरूप लेके आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी आपके यहाँ। लेकिन आई थिंक उस टाइम मुझे ध्यान नहीं था, मेरा शायद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था या कहीं जाना था मुझे बहुत, तो मैं जा नहीं पाई। मैंने मंजू आंटी से कहा कि आप जाओगे तो मेरे लिए गुरु जी का स्वरूप देंगे, अंकल आप ले आना। बोली ठीक है मैं ले आऊंगी। तो मैं जब भी मेडिटेशन करती थी सोचती थी गुरु जी मुझे ना सफेद छोले में आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझे सफेद छोले में चाहिए आपका स्वरूप। तो आंख बंद करती मैं अपना सफेद छोला देखती, गुरु जी वो पिक्चर हटा के लाल छोले वाली पिक्चर मेरे सामने रख देते थे। मैं कहती थी नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए गुरु जी, मुझे तो सफेद छोले में चाहिए। एवरी डे मुझे मैं यही मेरे उनके साथ यही चलता रहा, मैं कहती मुझे सफेद चोले में चाहिए, वो पिक्चर हटाते और लाल चोले वाली पिक्चर में सामने रख देते थे। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे ना सफेद चोले में चाहिए। 5 दिन यही चलता रहा मेरा उनके साथ। थर्सडे को स्वरूप आ गया मेरे मंजू आंटी के घर, उन्होंने कॉल किया कि स्वरूप तेरा मैं ले आई हूँ तो आके ले जाना। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, मैं जा ही नहीं पा रही थी स्वरूप उठाने। फिर एक दिन मैंने अंकल से कहा ये शाम को जाते हैं वॉक करने के लिए कि आप उधर से जाते हुए ना स्वरूप ले आना मंजू आंटी के घर से। तो ये शाम को स्वरूप लेके मैंने आगे वाली सीट पे रख के ले आए स्वरूप, और इन्होंने नीचे से कॉल किया तुम आ जाओ और स्वरूप उठा के लेके जाओ तुम। मैं नीचे गई, जैसी डोर खोला
एक तो लाल चोले का स्वरूप बन गया। हाँ गुरु जी आप लाल चोले में आ गए मुझे तो सफेद चोले, फिर भी मेरे मन में ये था मुझे तो सफेद चोले में चाहिए। लेकिन एक तो इतनी बड़ी मेरे मन में सोचा था छोटी सी होगी और मैं अपने मंदिर में रख लूंगी, इतनी बड़ी पिक्चर, फिर मैं सोचती थी मैं कहाँ लगाऊंगी घर में इसको। मैं उठा के ले आई सफेद लाल चोले में और फिर अच्छे लगने लगे मुझे वो गुरु जी लाल चोले में। लेकिन दिमाग में मेरा वो सफेद चोला चलता रहा चलता रहा। मैं इंडिया गई थी तभी मैं सब जगह सफेद चोला ढूंढती रही, मुझे सफेद चोला नहीं मिला कहीं भी और सफेद चोले में गुरुजी मेरे नहीं आए। लेकिन इसी चोले में जो भी आए गुरुजी मैंने जो गलती की है माफी चाहूंगी, लेकिन आप मुझे लाल चोले में भी अच्छे लगते हैं। हाँ सफेद में कल आ गए मेरे पास। हाँ लेकिन कल क्या हुआ, ये पिक्चर हमने यहाँ लगानी थी गुरुजी की जो स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप फिट ही नहीं हुआ कल। इतनी देर तक हम फिट करते रहे, ये वाला स्वरूप यहाँ फिट नहीं हुआ। तो फिर सारी कांटी बोली ऐसा है ये वाले गुरुजी मुझे लगता है यहाँ फिट नहीं होंगे, लाल चोले वाले गुरुजी फिट हुए यहाँ पे, एक सेकंड एक बारी में ही वो फिट होगा, नहीं तो बहुत देर से हम उनको कोशिश कर रहे थे ये लगाते रहे, वाला सब नहीं लगा मेरे पास। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद एक दूसरा पिक्चर स्वरूप जो था वो मेरे पास आ गया सफेद चोले का, जो मैंने मंदिर में रखा हुआ है छोटा वाला। तो ये मेरा सत्संग है, एक और छोटा सा सत्संग है जो अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ। हम लोग इंडिया गए 7 जुलाई को और था कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, हम 2 दिन रुके थे दिल्ली में केवल। तो 7 को तो बहुत गर्मी भी थी, भीड़ भी बहुत थी, बच्चे भी साथ थे, तो डिसाइड करा हम लोग शायद नेक्स्ट डे जाएं, उस दिन नहीं जा पाए। 8 को हम लोग गए थे और बहुत दिनों से मेरे को बैक पेन चल रहा था, बहुत मसल्स पेन बहुत था, कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा मैं लोटा लेके जाऊंगी, प्लेस करा के लाऊंगी लोटे को। तो मैं लेके गई और भीड़ तो थी जैसे होती है वहां पर। तो मैंने जब मंदिर में गई तो मैंने उनसे सेवादार से कहा कि भाई मेरा लोटा प्लेस करवा दीजिए, वहां रख दीजिए। तो बोले नहीं आज भीड़ बहुत है, हम लोग बेटा लोटा वहां पर नहीं रख रहे, तो आप यहीं पे खड़े होके पूजा जो भी प्रेयर कर रही हूँ कर लीजिए, ब्लेसिंग ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई आर्गुमेंट भी नहीं कहा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ या कर दीजिए आप जो भी था। तो मैंने वहां खड़े होके प्रेयर करी कि गुरुजी मैं बहुत देर में हूँ, मेरा लोटा ब्लेस कर दीजिए आप प्लीज। तो और मैं प्रेयर करके लोटा अपना ले आई। मैं आई थी अगस्त में एंड अगस्त पैन मैंने लोटे में जल भर के रखने लगी रोज मंदिर में। और मुझे डाउट बिल्कुल नहीं था कि उसमें उन्होंने ब्लेस किया है या नहीं किया है। मैं हमेशा कहती थी आपने मुझे जरूर ब्लेस किया होगा। कहते हैं मंदिर में जो भी जाता है वो इतनी सारी ब्लेसिंग बिखरी होती है, वो ब्लेसिंग जरूर मिलती है। तो मैं रोज लोटे का जल पीने भी लगी, उससे नहाने भी लगी। 3-4 अभी अप्रैल नवम्बर के 2nd या 3rd वीक में पता नहीं मेरे दिमाग में जरा सा डाउट आया कि मैं लोटे का जल दे तो रही हूँ, आपने गुरुजी ब्लेस किया है कि नहीं। और सबके कई बार जल में गुरुजी वो दिखते हैं ओम। मैं एक हफ्ते से रोज सुबह लोटा उठाती झांकती कहीं उसमें ओम तो नहीं दिख रहा है मेरे को। और डाउट आया मेरे मन में कि कहीं ब्लेस किया है गुरुजी आपने कि नहीं किया है। रोज देख रही थी, 2 दिन हुए 3 दिन हुए। नवंबर 23 को मैंने लोटा उठाया, नीचे झांक के देखा उसमें ओम बने हुए थे। और मैंने क्या ये वाले गुरुजी मेरे किचन में लगे होते हैं। एकदम पलट के गुरुजी को देखा, गुरुजी आपने लोटा मेरा ब्लेस कर दिया, आपने मेरा पेन भी ले लिया है, काफी पेन मेरा 80% पेन मेरा चला गया है बैक का। क्योंकि इतने पेन में मैं थी तो मैं एक दिन बहुत परेशान थी। मैंने कहा गुरुजी या तो आप मेरा पेन कम कर दीजिए या कोई ऐसा डॉक्टर दे दीजिए जो मुझे समझ जाए कि मुझे पेन क्यों हो रहा है इतना। और वो भी हुआ कि एक कॉरिप्टर मुझे मिले, मैं जाती हूँ अभी भी उनके पास, उसने बहुत पेन मेरा कम किया है। गुरुजी ने वहां भेजा मुझे, उन्होंने ब्लेस किया, लेकिन मेरा 80% पेन मेरा कम हो गया उससे। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मुझे ओम दिखाने के लिए। वैसे तो आप मेरे साथ हाइड एंड सीक बहुत खेलते हैं, हमेशा हाइड एंड सीक खेलते हैं। रेखा आंटी के घर में गई थी जब आपने अपनी मदर इन लॉ के लिए कराया था, उस दिन मैं आगे चेयर पे बैठी हुई थी वहां पे। और
प्रेयर, बस आंखें बंद करके बैठी थी, मन में वो ही आया कि गुरु जी आप सबको दर्शन देते हैं, मेरे तो अभी तक दर्शन भी नहीं दिए आपने। तो थोड़ी देर बाद एक हवा का झोंका सा आगे से आया, इतनी स्मेल स्ट्रांग थी कि परफ्यूम की स्मेल थी बहुत स्ट्रांग, और ऐसे लगा कोई मेरे आगे से निकल गया। मैं आंखें बंद करे बैठी थी, मैंने आंखें खोली, देखा, मैंने क्या कोई संगत जी तो नहीं गई आगे से, गई इतने परफ्यूम की स्मेल है, कोई नहीं था, सब अपनी जगह बैठे हुए थे। फिर आंखें बंद करी, थोड़ी देर बाद फिर वो ही हुआ, मतलब पूरे सत्संग में हर 15 मिनट बाद मुझे ये फील होता ना कि कोई मेरे आगे से जा रहा है और वही स्मेल सेम आ रही है। मैं फिर भी बार बार आंख खोल के देखती कि कहीं कोई निकल तो नहीं रहा मेरे आगे से, लेकिन वो गुरुजी थे शायद जो हर थोड़ी देर बाद निकल रहे थे मेरे आगे से, और इतनी स्ट्रॉन्ग एक परफ्यूम की स्मेल थी जो मैं फील कर रही थी। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका मुझे बताने के लिए कि आप हो मेरे साथ, आपका शुक्राना। हेलो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत आने के लिए। हमारा ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है जैसा साधना आंटी का है। हमारे दिमाग में बहुत डाउट चलते हैं क्योंकि शायद हमारा प्रोफेशन ऐसा है, साइंटिस्ट हैं, तो विदाउट डेटा आई डोंट बिलीव एनीथिंग। तो चाहे जितना भी ऑब्वियस क्यों ना हो, पर ऐसे दिमाग चल रहा था तो रेखा आंटी ने बोला कि कई चीजें जो है आप डेटा की जरूरत नहीं होती है, यू जस्ट गो विद द फ्लो और विद द माइंड। तो हमने कहा ठीक है, ये भी होता है क्योंकि अब हम लोगों को शुरू से बताया कि ये भगवान है, ये हैं, ये गुरु जी हैं, तो हम लोगों ने कभी माँ बाप से नहीं कहा कि डेटा दीजिए हम लोगों को कि उसके लिए, पर वो तो हमारा जैसे बताया तो हमने कहा हम धीरे धीरे इसको लेंगे, क्योंकि हमको जब छोटे थे तो जैसे होता है माँ बाप पुश करते हैं, मंदिर जाइए आप, इसमें ये जाइए, तो हमारे पापा बहुत पुश करते थे। हम लोगों के घर में शिवलिंग है, हमारे जितने भी बुआ फूफा जी चाचा हैं सबके घर में मंदिर है, किसी में देवी का मंदिर है या शिवलिंग है, तो वो बहुत पुश करते थे और हम बहुत ही एडामेंट थे, अभी भी हैं। तो जो है हम मानते नहीं थे। तो एक बार हमारे नाना जी ने बोला कि ये भक्ति ऐसी चीज है जो अपने आप आएगी, वो अपनी तरफ खींचेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो अचानक ऐसा हुआ जब कॉलेज में थे तो हमने हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दिया, लखनऊ में अलीगंज का मंदिर है वो बहुत फेमस है, तो वहां जाना शुरू करा। उसके बाद जो है फिर यहाँ आए तो साईं बाबा के का हुआ। तो ऐसे ही जब शिरडी गए तो हमने अपने मन में मांगा कि अगर हमें बुलाना है दर्शन के लिए तो अच्छे से दर्शन कराइएगा वरना बुलाइएगा नहीं। तो वहां गए हम लोग, दर्शन करके वापिस जा रहे हैं तो वो फिर से बुला रहे हैं, तो फिर से बुला के उन्होंने बोला कि आप जो है इसमें यही रुकिए। तो वहां रुके हम लोग, फिर उसके ऊपर कुछ किशमिश थी तो वो उसने हम लोगों को दिया, वो केवल हम ही को दी। तो फास्ट फॉरवर्ड, तो जब इंडिया गए तो हमें नहीं पता था कि ये जो है वहां बड़े मंदिर जाने की इतनी इच्छा रखनी है, तो हमने कहा ठीक है चलना है तो चलेंगे। तो हम थे ये और हमारी भांजी थी, तो भांजी का भी हमें नहीं पता था कि वो गुरु जी से जुड़ी हुई है, तो बाद में बताया उसने कि वो गुरु जी से जुड़ी हुई है। हाँ, पर एक चीज मैंने देखी जब से मैं जुड़ा हूँ कि बहुत एंग्जाइटी सी रहती है, पर ये सत्संग के बाद आई काम डाउन और एनर्जी लेवल भी काफी रहता है। तो पहली बार जब हम गए तो हमें नहीं पता था एक्सपीरियंस, तो सोनू अंकल के यहाँ से आए और हमने सोनू अंकल को अगले दिन बोला कि कल मेरे पास बहुत एनर्जी थी, मैं रात भर सोया नहीं, जबकि मैं 5-6 घंटे सो जाता हूँ आराम से, वो उतना काफी है मेरे लिए। तो जो है क्या, तो सोनू अंकल ने अपने एक्सपीरियंस बताए। तो ये धीरे धीरे आई थिंक हमारे दिमाग के हिसाब से बेबी स्टेप ले रहे हैं। तो अभी किंडरगार्टन में है, फिर फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे, फिर सेकंड में, तो ऐसा नहीं कि डिग्री मिलेगी, बट आई थिंक उससे जुड़ रहे हैं, तो ये एक प्रोसेस है। तो ये हमें ऐसा लगता है, पर हमें ये थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ जब देखते हैं या हमारे पास जब संगत होती है तो आई फील वेरी गुड। तो ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत। तो यहाँ में शिव जी को बहुत मानते हैं, शिव जी और दुर्गा जी को। हाँ, तो शिव जी है वही, तो और दुर्गा जी को, तो वो तो हमारे दुर्गा जी तो हमारी कुल देवी है, तो इसलिए तो
और कोई आंटी अंकल अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ले। हाँ आ जाइए। अच्छा मिली है। अच्छा तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आ जाइए आप इधर आ जाइए आंटी। जो सोच मन में वो संगत जी यूट्यूब और फेसबुक से हम आज्ञा लेते हैं। जूम अभी रहेगा। जय गुरु जी।